हेलो विजय। हाँ जी सर बोलिए। कल ऑफिस में बहुत काम है, जाते जाते सुन लो, कल 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना याद से, ठीक है? हाँ ठीक है सर, कल 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अभी मैं घर जाता हूँ, घर से बार बार फोन आ रहे हैं मम्मी के। यार अभी 1 घंटे पहले तो ऑफिस आया था, पता नहीं क्यों घर से बार बार फोन आ रहे हैं मम्मी पापा के। एक काम करता हूँ यार, घर जाने में तो टाइम लगेगा, 10 किलोमीटर दूर है घर, मम्मी को फोन करके पहले पूछ ही लेता हूँ क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी मैं जस्ट अभी ऑफिस से निकला हूँ, मुझे पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन आप बताओ हुआ क्या जो आप बार बार फोन कर रहे हो? अरे तू घर आ जा जल्दी। अरे मुझे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बताओ तो हुआ क्या? शर्मा जी तेरे लिए लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं। क्या सच में? ठीक है आ रहा हूँ। हाँ बस तू जल्दी घर आ जा। अरे यार ये तो मम्मी ने खुशखबरी दे दी, आज तो पार्टी होगी, पार्टी रिश्ता होने के बाद। चलो अभी अपनी खटारा बाइक को उठा के जल्दी से घर चलते हैं, भाई जल्दी पहुंचना पड़ेगा हमें यहाँ पर। लेकिन यार ये तो मैंने सोचा नहीं, मेरे 3 दोस्त हैं नितिन शुभम आयुष, तीनों को पार्टी देनी पड़ेगी रिश्ता होने के बाद, मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। चलो कोई ना यार, पार्टी दे देंगे, अभी जल्दी से घर चलते हैं, वैसे आज रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। चलो फाइनली घर आ गया, लेकिन मम्मी ने बोला था मैं घर के बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो अंदर चल के देखते हैं। मम्मी मैं आ गया, कहाँ हो तुम? मम्मी नीचे तो कोई नहीं है, पापा यहाँ पर तो कोई नहीं है, शायद ऊपर होंगे सबके सब, ऊपर चल के देखते हैं कहाँ चले गए सबके सब। मम्मी यहाँ पर तो कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, ऊपर हो सकते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। अरे यहाँ भी कोई नहीं है, कहाँ गए घर के सारे पापा भी नहीं है, इधर इधर भी कोई नहीं है, जरूर कहीं ना कहीं चले गए होंगे। फोन लगा के देखता हूँ, प्लीज उठा लो उठा लो उठा लो। ये क्या, मेरा फोन काट दिया, ये कैसे हो सकता है? एक बार और करके देखता हूँ, प्लीज इस बार उठा लो। अरे अब मैं क्या करूं, सब मेरी गलती है, मुझे पहुंचने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। वैसे मैं ज्यादा सोच रहा हूं, हो सकता है बाहर कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए हूं। चलो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, घर के अंदर चलते हैं। लेकिन 1 मिनट, ये टेबल पे क्या रखा है? अरे ये तो कोई चिट्ठी है, ये कोई खत है, यहाँ पे कैसे आया? इसको पढ़ के देखता हूँ। अगर अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो रेलवे स्टेशन के पास वाली पुरानी हवेली पे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे इतनी डरावनी आवाज किसकी थी, और मुझे रेलवे स्टेशन के पास पुरानी हवेली पे क्यों बुलाया? लगता है मम्मी पापा खतरे में, जल्दी से उनके पास जाना पड़ेगा। अंधेरी रात हो चुकी, इस अंधेरी रात में मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मम्मी पापा को बचाना तो बहुत जरूरी है। अभी जल्दी से बाइक को उठा के उनके पास जाता हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों बुलाया उसने, क्या उनके साथ में कर रही होगी, पता करना पड़ेगा, जल्दी से उनके पास चलते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये तो शर्मा जी अंकल है, अंकल क्या हुआ तुम्हें, अंकल क्या हुआ बताओ ना। विजय बेटा मेरी फिक्र मत कर, मेरे पास टाइम बहुत कम है, अपने माँ बाप को बचा ले, जा जा यहाँ से। अंकल मैं कसम खाता हूँ जिसने भी ये हाल किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। सामने घर आ चुके हैं पुरानी हवेली वाले रेलवे स्टेशन के पास में, शायद यहीं पर माँ बाप को लेके गई होगी, जो भी है वो। मुझे इस अंधेरे में काली रात में एक तो ठीक से दिख भी नहीं रहा, शायद यहीं पर आवाज ला के देखता हूँ। मम्मी मम्मी पापा पापा कोई है क्या यहाँ पे? विजय बेटा हमें बचा लो, ये हमें मार देगी, हम इसी घर में है बेटा, बचा लो हमें। किसकी बात कर रहे हो, कौन मार देगी? रुको टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ, मैं घर के बाहर हूँ, अंदर आता हूँ, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जो भी है, जिसने भी मेरे माँ बाप को यहाँ पे लेके आया। खोलो इसको, खोल, कौन है अंदर? मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जो भी घर के अंदर है जल्दी बाहर आ जाओ, मैं घर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, अगर कोई भी नहीं आया तो पुलिस को बुला के लेके आऊंगा, जल्दी बाहर आ जाओ जो भी है। अगर अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल कर लो। कौन हो तुम और कौन सा गुनाह? तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं शीतल हूँ, वही शीतल जिसने तुमसे मोहब्बत की थी। शीतल ये कैसे हो सकता है, तुम तो 3 साल पहले मर गई थी ना। तुमने तो उस दिन मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं तड़पती रही पर तुमने मुझे नहीं बचाया। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी, उस हर इंसान को खत्म कर दूंगी जो तुम्हारे करीब आएगा। शीतल आज मौसम कितना सुहाना है, कहीं घूमने चले क्या? विजय तुम रोज बोलते हो तुम अपनी मम्मी पापा से बात करोगे, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, कहीं मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं जबरदस्ती ना करा दे। देखो शीतल मैं तुम्हें बहुत टाइम से बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज बोल ही देता हूँ मैं शादी नहीं कर सकता। अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने ये सब मुझसे प्यार करने से पहले नहीं सोचा था,
मुझे मत छोड़ो विजय, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मर जाओ कहीं भी जाके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप जहाँ शादी करेंगे मैं वही करूंगा। और इसी तरह उस दिन मैंने अपनी जान ले ली। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। और अब तुम आज किसी और से शादी करना चाहते हो, मैं किसी को भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, और आज तुम्हारे माँ बाप को भी मरना होगा। देखो शीतल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो शीतल। विजय बेटा, शीतल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दो मेरे माँ बाप को। फिर उस रात मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, शीतल ने उन्हें नहीं बख्शा। लेकिन भाई तुमने शादी क्यों नहीं की? क्या बताऊं यार, आज भी शादी करने का सोचता हूं तो वही शीतल का चेहरा, भयानक आवाजें, दर्दनाक मंजर मेरे सामने आ जाता है। इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। विजय भाई, मेरे पास ना एक तरीका है जिससे शीतल तुम्हारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी, और तुम नई शादी भी कर पाओगे। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा?